साथियों, सार्वजनिक जीवन में मुझे एक लंबे समय से काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने पहले की कितनी ही सरकारें देखी है, उनका कामकाज भी देखा है। इस लंबे कालखंड में जो मुझे सबसे अधिक अखड़ा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी, भटकाया भी। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आप सोचिए, 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, ये सिर्फ यहां के नागरिक नहीं, देश के नागरिक भी इस बात को समझे, हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे, हिंदुस्तान का मेरा नौजवान समझे, जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो मेरा देश का हर नौजवान समझे। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। जरा आप बोलेंगे कितनी लागत थी उस समय जब शुरू होना था तब? कितनी थी? कितनी थी? 100 करोड़। और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। 10,000 करोड़। कितना? कितना? पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में। ये पैसा किसका था भाइयों? ये पैसा किसका था? ये धन किसका था? आपका था कि नहीं था? इसके मालिक आप थे कि नहीं थे? आपके मेहनत का एक एक रुपया सही समय पर सही काम के लिए उपयोग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। हमारे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को भी अगर सिंचाई का यही पानी अगर 20 साल 30 साल पहले मिला होता, आप कल्पना कर सकते थे? अगर मेरे किसान के पास पानी होता, पिछले 25-30 साल में पानी उसके पास पहुंचा होता, तो वो सोना पैदा करता कि नहीं करता? देश का खजाना भर देता कि नहीं भर देता? अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी कर पाता कि नहीं कर पाता? भाइयों बहनों, दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है।
वैसे साथियों, जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की, हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। 2014 में जब मैं सरकार में आया था तो ये देखकर हैरान था कि देश में सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाएं, 99 परियोजनाएं जो देश के अलग अलग कोनों में दशकों से अधूरी पड़ी है। हमने देखा कि सरयू नहर परियोजना में कितनी ही जगहों पर नहरें आपस में जुड़ी ही नहीं थी, पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है, यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है।